Hey, welcome to my channel. Hope you all are good. So, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नो मेकअप मेकअप लुक जो कि मेरा होगा समर्स के लिए स्पेशली डेली वेयर मेकअप लुक जो कि मैं डेली अप्लाई करती हूँ. वीडियो यूजफुल लगे यार तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सबसे पहला स्टेप है फेस वॉश. मेकअप करने के पहले हमेशा अपने फेस को क्लीन कर लिया करो. आप भी कोई भी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लीजिए. उसके बाद सबसे पहला स्टेप है मेकअप का हमारे फेस को टोन करना. मैं यहाँ पे एब्स कुडनेस का टोनर अप्लाई कर रही हूँ. आप टोनिंग ज़रूर करा करो क्योंकि ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे कि मेकअप हमारा अंदर जाता नहीं है. अब जब तक वो एब्जॉर्ब हो रहा है फेस पर, मैं अपने लिप्स पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ. लिप बाम भी कभी स्किप मत करा करो, ये भी हमारे स्किन केयर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. मैं यहाँ पे निविया लिप बाम यूज़ कर रही हूँ. नेक्स्ट, अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी. आप कोई भी अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल ना भूलें. मैं यहाँ पर गुड वाइब्स की सैफ्रन क्रीम यूज़ कर रही हूँ. काफ़ी सारी मतलब क्रीम्स अवेलेबल है मार्केट में. उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना कभी ना भूलें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे मेकअप का घर पर हो समर्स में स्पेशली, क्योंकि टैनिंग हो जाती है. घर पर हो तो भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करो. अपने फेस पर कुछ इस तरीके से मसाज नहीं देनी है आपको, बस डैप डैप करके एब्जॉर्ब कराना है अपने फेस को ये सनस्क्रीन, और आधा घंटे पहले हमेशा अप्लाई करनी है. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना मेकअप करने के पहले. उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ. पॉन्स की बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ. आप देख रहे हो कि काफ़ी कम क्वांटिटी बची है इस क्रीम की, क्योंकि मैं रेगुलरली यही यूज़ करती हूँ. फेस पे डैप डैप करके अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना. उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ. अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस पर बेबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ. डेली वेयर का मेकअप है जैसे कि, तो हम हाथ से ही कर लेते हैं. इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना, बट स्टिल अगर आप कंफर्टेबल हैं डेली वेयर में भी तो आप यूज़ कर सकते हैं. मैं कभी कभी जल्दी में रहती हूँ तो नहीं करती हूँ. यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी बीबी क्रीम. फाउंडेशन आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अपने फेस पर. यहाँ पर मेरा बेस मेकअप कम्प्लीट होता है. अब मैं अपने लिप्स पे एक टिंट देने के लिए ये बायोटिक की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ. लिप बाम मैंने पहले अप्लाई कर ली थी, बट स्टिल थोड़ा सा रेडनेस आ जाए लिप्स पे क्योंकि मैं लिपस्टिक अप्लाई नहीं करूँगी. अब यहाँ पे मेरा बेस मेकअप कंप्लीट होता है. अब मैं अपने बेस मेकअप को पाउडर सेटिंग के साथ सेट कर लूँगी. वाइल्ड टोन का ये पाउडर है जो कि मैं वाइट टोन का पाउडर लूज़ पाउडर है जो कि मैं अपने बेस मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ. आपको इसको अपने हाथ से यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है. आपको ब्रश यूज़ करना है पाउडर सेटिंग करने के लिए. अच्छी तरीके से अपने पूरे बेस मेकअप को सेट कर लेना है. पाउडर से काफ़ी ज़्यादा पाउडर अप्लाई कर लो, जिससे कि जो एक्स्ट्रा हो वो एब्जॉर्ब हो जाए. अब यहाँ पे देखो मैंने कर लिया है ज़्यादा ज़्यादा से अप्लाई. अब मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ जो कि स्टेक्वर्की का काजल है. काफ़ी अच्छा काजल है समर्स के लिए क्योंकि वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है. रिसेंटली इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा लो वाटर लाइन या अपर वाटर लाइन पर लगाना. अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा काजल के साथ मेरी आँखें और काजल के बिना मेरी आँखें. ये सबके आँखों में डिफरेंस होता है, सबके फेस पे होता है. लो वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन दोनों जगह आपको अप्लाई करना है क्योंकि आँखें बड़ी बड़ी दिखती हैं. आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि एक साइड बिना काजल की आँखें हैं और एक साइड काजल लगाया है. काजल से एक अलग ही लुक निकल के आता है. मैं दोनों साइड अपने फेस पे काजल अप्लाई कर लूँगी, अपनी आईज़ पे लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पे. और अब मेरी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं, जो कि क्योंकि बेस मेकअप सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है. एक दो चीज़ें अप्लाई की हैं उसके बाद भी नो मेकअप मेकअप लुक ये काजल की वजह से ही दिखता है क्योंकि एक जान डाल देता है. अब जो एक्स्ट्रा पाउडर है मैं उसको ब्रश की हेल्प से पूरा फॉल आउट कर लूँगी. एक्स्ट्रा पाउडर है जो कि जिसको झड़ा लूँगी. यहाँ पर मेरा मेकअप लुक पूरा कम्प्लीट होता है. आपको वीडियो पसंद आ रहा हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ. मैं मेरा डेली वेयर का यही मेकअप है. बाय, लव यू.